अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं आई हुई हूँ हिरन मनार। तो आज आपको मैं हिरन मनार का विज़िट करवाती हूँ, ठीक है जी। तो ये टिकट्स हम लोगों ने ले ली है, बड़ों की 20 रुपये है और छोटे बच्चों की 10 रुपये टिकट है, ठीक है जी। तो चलते हैं, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर इस साइड पर भी एक फैमिली बैठी हुई है और ये सारा इसका है, वो एक उन्होंने हिरन लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको बाद में करीब से जाके दिखाऊंगी, ठीक है जी। फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पुरसकून सा यहाँ का माहौल है। चलते हैं, मैं आपको आज आपको हिरन मनार का विज़िट करवाती हूँ, ठीक है जी। जो कि ये तालाब बनाया गया था जंगली जानवरों के पानी वगैरह पीने के लिए, ये वो मेन जगह है। आगे जाके मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ इसका बाकी। बर्ड्स के साउंड्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारा इसका बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा और बहुत खुला एरिया है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी आएँ और इसको विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। देखिए, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी स्लोप नीचे को बनाई हुई है, जहाँ से जाके जानवर जो इजीली पानी पी सकते हैं। वो देखिए ज़रा, लोग जाते हैं नीचे जाके देख के आते हैं। ये देखिए, ये वाली इन्होंने बनाई हुई है जानवरों के नीचे उतर के पानी पीने के लिए, ताकि उनको आसानी हो और जाके वो पानी पीने। और लोग नीचे जाते हैं पानी के पास, जाके बैठते हैं, पिक्स वगैरह बनाते हैं। और ये तकरीबन काफ़ी जगह पे इन्होंने 3-4 जगहों पे ऐसा बनाया हुआ है कि जाके जानवर इजीली नीचे जाके पानी पी सके। ये देखें, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत से और बहुत बड़े बड़े से दरख्त हैं। वो दरख्त देखें ज़रा कितना खूबसूरत है, और देखें ज़रा चेक करें, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये वाला देखें आप। यहाँ पर सारे दरख्त ऐसे ही हैं। विज़िट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। यहाँ पे इन लोगों ने बंद किया है, पहले खुला था, वहाँ आगे जा सकते थे, लेकिन अब ये इन लोगों ने बंद किया है, ठीक है जी। तो ये इधर उनका हिस्ट्री बोर्ड है, जो मैंने आपको पहले बताया, सारी इसकी हिस्ट्री वहाँ पे मेंशन है। ये है जी वो मीनार, जिसकी वजह से इसको हिरन मीनार बोला जाता है, ठीक है जी। जो कि हिरन की याद में बनाया गया था, और बताया जा रहा है जी इस मीनार के साथ ही उस हिरन की कब्र है। ये मीनार की एंट्री है, लेकिन ये एंट्री बंद है। और ये साथ में जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे उस हिरन की कब्र, इस तरह से ये छोटा सा कमरा सा बना के इसको यहाँ पर दफन किया गया। ये देखें, ये जी बताया जा रहा है कि जी ये हिरन की कब्र है, और उसके साथ में मीनार बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम हिरन मनार है, ठीक है जी। ये तो है जी इसकी दूसरी साइड, बैठने के लिए जगह जगह पे बहुत अच्छे सीटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं उन्होंने, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसकी प्लांट्स की कटिंग और ग्रास वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है इन्होंने, बहुत मतलब खूबसूरत लगता है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये पब्लिक पॉइंट है, अगर आप आएँ इसको विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है। और बर्ड्स के साउंड्स तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अगर आप सुने। जैसे जैसे शाम ढल रही है, वैसे वैसे यहाँ पे लोगों का आना ज़्यादा हो रहा है, और बर्ड्स बोलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, ये देखिए ज़रा बहुत ग्रीनरी है। और बहुत खूबसूरत तरीके से सारे जो हिरन मीनार को मेंटेन किया गया है, उस सारा सिस्टम इसका बहुत ज़बरदस्त है। सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको कहीं पे भी गंद नज़र नहीं आएगा और बहुत अच्छा सिस्टम है इसका। चलें जी, अब हम लोग तो जा रहे हैं वापस। वो उन्होंने लास्ट में एक हिरन खड़ा किया हुआ है, वो मैं आपको करीब जाकर दिखाती हूँ। ये है जी वो हिरन, इन्होंने पत्थर का बना के उसका मुजस्मा यहाँ पे खड़ा किया और कुछ हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है जी। इस हिरन का नाम है जी मंसराज। चलें जी, बाय बाय हिरन मीनार और बाय बाय यूट्यूब फैमिली। तो ये तो सारा था जी व्यू हिरन मीनार का, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय हिरन मीनार, बाय बाय यूट्यूब।